और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ से। आज विशेष में यह अहम जानकारी सामने आ रही है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले सरकार की डिनर डिप्लोमेसी, बीजेपी और गठबंधन की सहयोगी जेजेपी के विधायकों को रात्रि भोज पर बुलाया गया है। विधायकों का शाम को हरियाणा निवास में डिनर रखा गया है। सरकार के समर्थित निर्दलीय विधायक भी इस रात्रि भोज में शामिल होंगे और 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान होना है, तो उससे पहले आज डिनर डिप्लोमेसी यहाँ पर जो है सरकार की वो देखने को मिलेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, कल मतदान होना है राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर, उससे पहले आज हरियाणा सरकार की डिनर डिप्लोमेसी यहां पर देखने को मिलेगी, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर, पूरी विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए कल जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है, कल हरियाणा में भी है और चुनाव से पहले ठीक एक दिन पहले आज रात जो है वो सरकार की तरफ से या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। हरियाणा निवास में आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, इसके अलावा बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे, जेजेपी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे और इसी के साथ साथ जो निर्दलीय विधायक जिनकी तरफ से समर्थन दिया जा रहा है इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को, वो सभी मौजूद रहेंगे। और काफी अहम आज का रात्रि भोज का डिनर डिप्लोमेसी के तहत से देखा जा रहा है। इससे पहले एनडीए उम्मीदवार चंडीगढ़ पहुंची थी, द्रौपदी मुर्मू और सभी से मुलाकात हुई थी, सभी विधायकों से, सांसदों से मुलाकात की थी, उन्होंने वोट की अपील भी सभी से की थी। और क्योंकि कल वोटिंग होनी है, कल सुबह से वोटिंग होगी और उससे पहले ये रात्रि भोज का जो कार्यक्रम है वो रखा गया हरियाणा निवास में होना है 9 बजे के आसपास। सभी विधायक इसमें बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक मौजूद रहेंगे। आज अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण शिविर फरीदाबाद में चल रहा उसका है, उसमें भी विधायक का जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद हैं, नेता हैं, वो शामिल हैं। इसके बाद चंडीगढ़ पहुंचेंगे और रात्रि भोज में शामिल होंगे। जी, शुक्रिया अनिल, नज़र बनाए रखिएगा। तो इस पर फिलहाल जानकारी यही है कि आज रात्रि भोज रखा गया है और सभी बीजेपी के विधायक इसमें शामिल होंगे, जेजेपी के विधायक शामिल होंगे और साथ ही साथ निर्दलीय जो समर्थन दे रहे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और वोटिंग की रणनीति पर इस दौरान जो है चर्चा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के सूरज